नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरी और एक छोटी सी वीडियो में। ये वीडियो में पावर टूल्स रिपेयर करने के लिए जो हम हैंड टूल्स वगैरह यूज करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको ज़रूरी है, मैं उसी टूल के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत सारा खरीद सकते हो, लेकिन जितना ज़रूरी है, जितने में मैं रिपेयर करके काम करता हूँ, उतने टूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि पावर टूल्स रिपेयर करने के लिए हमको इस टूल का ज़रूरत पड़ेगा। और इसके अंदर जिसका मुझे ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा एक ट्रस्टेड वेबसाइट से, उसी का लिंक मैं आपको इसके अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें से आप मंगा भी सकते हो, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये है हमारा अर्बर प्रेसेस मशीन, हम इसको अर्बर प्रेस मशीन बोलते हैं। सर्चिंग में अर्बर प्रेस मशीन लिख करके ही आपको सर्च करना पड़ेगा, बाकी आपको इसको हैंड प्रेस मशीन भी बोल सकते हो, जो आप अपनी भाषा में बोल सकते हो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अभी इसका सबसे मेन वर्क क्या रहता है, और इसका जो लिंक है ये मुझे किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से नहीं मिल पाया है ऑनलाइन लिंक, इसलिए मैं इसका आपको लिंक नहीं दूंगा। बाकी आप इसको इंडिया मार्ट वगैरह जो वेबसाइट रहता है उसमें सर्च करके आप ऑनलाइन, तो आप पेमेंट डालिएगा नहीं, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह करके आप इसको मंगा सकते हो, और या फिर आपके नज़दीकी एरिया में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पता कर सकते हो, अगर मिल जाता है ठीक है तो आप वहाँ से इसको मंगा सकते हो। इसका हमारा सबसे मेन वर्क क्या रहता है कि जैसे कि हमारे गियर वगैरह हैं, मैं इसी को यूज करता हूँ अपने रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें किस तरह से काम करना है ये देखें, मैं एक छोटा सा डेमो के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे हमारा CM4 का या सॉरी 600 का गियर है, इस गियर को अगर हमको फिट करना है तो हम कुछ इस जगह पर इसको रख देते हैं हाउजिंग के साथ में, और फिर हमें ऊपर से प्रेस कर देते हैं घुमा करके, तो बहुत ही आराम से ये हमारा गियर वगैरह फिट हो जाता है। इसी तरह से ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर हमको अगर ये बैरिंग वगैरह सेट करना है तो इस बैरिंग को भी हम इसके नीचे रख करके, हालांकि मैंने किसी वीडियो में स्पेशल भी बता रखा है, तो आप वो मेरा वीडियो जा करके देख सकते हो, उसमें से आपको फिजिकली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम लगता है हमारा ये हैंड प्रेसेस मशीन या ओवर प्रेसेस मशीन, जो भी आप इसको बोलना चाहो। दूसरे नंबर पे देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन रहता है। ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है ना, ये थोड़ी चलाने में इसको दिक्कत होता है, इसलिए इसमें इस जगह पर जहां पर मैंने ये एरो शो कर रखा है, इस एरो की जगह पर आप लोग रख करके इसको इसमें गियर वगैरह फिट कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ी सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, और हैंड प्रेसेस मशीन में हमारा तुरंत काम हो जाता है, ठीक है। इस जगह पर रख करके हम यूज कर सकते हैं। आप चाहो अगर नज़दीक में आपके नहीं मिल पा रहा है वो, तो आप इसको भी ले सकते हो। आगे चलिए, मैं कुछ टीप आना के बारे में बता देता हूँ। ये टीप आना का जो ये व्हाइट वाला भाग जिसमें मैं ये उंगली का एरो कर रखा हूँ, ये चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और इसके बाजू में जो टीप आना मैंने मैनुअली बनवा रखा है, एक लोहे का राड लिया हुआ है, टी जैसा बनवा रखा है जो, और नीचे की साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे की साइड में इसमें मैंने वेल्डिंग करवा दिया है, और वेल्डिंग करवा करके इसमें जो अपने स्क्रू ड्राइवर फिट करने में हम लोग नीचे पाना यूज करते हैं, उस पाने को इसमें फंसा करके, और जो स्क्वायर वाले हमारे स्क्रू रहते हैं उनको हम बहुत आराम से खोल सकते हैं इसके जरिए से, क्योंकि हम इसमें ऊपर से हथौड़ी से ठोकर भी मार सकते हैं अगर जंग खाए हुए नट रहते हैं, तो इसकी मदद से हम बहुत आराम से खोल सकते हैं, इसलिए मैंने ये टीपाना बनवा रखा है एक बेहतर तरीके से। चलिए अगले टूल्स की बात करते हैं। ये हमको हैमर चाहिए, हथौड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास में थोड़ी बड़ा एक भारी होना चाहिए, जैसे हम हैंड प्रेस मशीन जो हमारा रहता है उसके अंदर गियर हम जब फिट करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो हमको हैंड प्रेस मशीन के ऊपर होकर मारना पड़ता है, जैसा मेरे आप वीडियो में देखे होंगे, वहाँ पर आप यूज के लिए एक बड़ा हथौड़ा आपको चाहिए होता है।
इसके बाद में चलिए अगले टूल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा वाटर पंप पिलर इसको बोलते हैं, ठीक है, कौवा पकड़ भी बोलते हैं, अलग अलग आप अपने एरिया में बोल सकते हो। आप इसका अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनका ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत ही इजी। और इसमें क्या है, कभी कभी हमारे जो स्क्रू लगे रहते हैं कटर मशीन वगैरह में या ग्राइंडर वगैरह में, अगर हमारा पाना फेल हो जाता है तो हम इसकी पकड़ से बहुत अच्छी तरह से उसको घुमा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी पकड़ जो रहती है बहुत मजबूत रहती है, तो ये भी चाहिए हमको। अगला टूल्स आएगा हमारा ये टी पाना सेट। इसमें देखिए आपको ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत साइज के आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हमारे यहाँ पर जो CM4 में ऊपर एलनेट लगा होता है आपने देखा होगा, उसमें 10 नंबर का ये टी पाना काम लगता है। और एक आपको 8 mm का ले लेना है, ठीक है, क्योंकि 8 mm का जो है वो हमारे जो डेमोल्यूशन हैमर आते हैं उसमें कुछ वोल्ट लगे रहते हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हो, 8 या 10 mm का ले सकते हो। जो ज़रूरत का है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी इसके बजाय आप कितने भी नंबर का आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से लेकर के यूज कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। अगले टूल्स की बात करते हैं तो हमारा बहुत ज़रूरी रहता है ये बैरिंग रिमूवर पुलर या फिर गियर रिमूवर पुलर। मैंने वीडियो में दिखा भी रखा है, आप मेरे किसी भी वीडियो में जा करके देखेंगे तो ये पुलर मैं ज़रूर यूज करता हूँ, और इसका भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप बड़े आराम से मंगा सकते हो। अब अगर रेट की बात करें तो आपको जो लिंक दूंगा उसमें आपको रेट डायरेक्ट देखने के लिए मिल ही जाएगा। यहाँ पर तो क्या है, बताना उचित नहीं रहता है, क्योंकि हर चीज़ का भाव आगे पीछे रेट कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए कोई 2 साल बाद में इस वीडियो को देखेगा तब तक का अभी का रेट बताना ठीक नहीं रहेगा। आप लिंक में जा करके क्लिक करके आप वहाँ से रेट देख सकते हो। ये हमारा बहुत ज़रूरी है, और हैंड प्रेसस मशीन भी हमारा बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी ये टूल्स दिखा रहा हूँ आपको ये सभी ज़रूरी हैं। एक आता है हमारा ये राउंड टाइप कप टाइप में जो हमारा ये बैरिंग अथवा गियर वगैरह निकाल सकते हो आप, इससे भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। मैं यूज करता हूँ, कभी कभी इसमें जल्दी काम हो जाता है, तो इसको भी आप लोग मंगा सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला टूल्स आता है हमारा ये जो वायरिंग पुलर वॉइस। इसमें क्या होता है, देखिए ये वॉइस मशीन भी साथ में दे देता है और ये पुलर भी हमारा साथ में दे देता है। इसमें हम 2-in-1 काम कर सकते हैं, हालांकि मैं अभी तक इसको यूज नहीं करता हूं, ठीक है, मेरे पास में ये है भी नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग वॉइस का भी काम कर सकते हो छोटा मोटा, और प्लस जैसे कि हमारे 801 वगैरह के गियर हाउसिंग में ज़्यादा फिट रहते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसमें हमारे इजीली तरीके से आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो, मैं तो नहीं यूज करता हूँ, लेकिन अगर रखोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आप मंगा सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे मैं एक वॉइस मशीन के बारे में और बताऊँगा, ठीक है, जो कि आपको लेना ही पड़ेगा। ये वाला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। अभी चलिए हम अगले टूल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे जो पिलर होते हैं ये हमारे बहुत ज़रूरी रहते हैं, और ये लगभग लगभग हर घर में भी मिल जाते हैं, लोग रखते हैं, ये चीज़ आपको रखना है, ठीक है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ यूज में रहते हैं हमारे, इनको भी हम यूज में ले सकते हैं। दूसरा हमारा ये जो पिलर है, इससे हम जो वायर वगैरह कटिंग करना है तो हमारा वायर वगैरह बहुत अच्छे से कटिंग हो जाता है, ठीक है। अभी चलिए अगले टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये है हमारा ऑयल कैन। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये ऑयल कैन और ग्रीस वगैरह का तो चलिए सबको नॉर्मल है, वो तो आप ले सकते हो, लेकिन ये ऑयल कैन हमारा ज़रूरी है ये रखना। अभी चलिए अगले टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला जो टूल्स आता है हमारा
ये आएंगे हमारे एलेंकी पाने, एलेंकी सेट हम जिनको बोलते हैं, ये भी हमारे मल्टीपर्पज टूल्स रहते हैं, ये हमारे डेमोलेशन हैमर में और कई ऐसे वोल्ट वगैरह आ जाते हैं जो कि एलेंकी से ही खुलते हैं, तो ये आपको पूरा सेट ही रखना है। इसका भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आराम से परचेस कर सकते हो। अगला टूल्स आता है हमारा ये नोज फिलर, ये हमारा छोटा रहता है लेकिन बड़ा वाला जो हमारा फिलर रहता है, कभी कभी उसके बजाय हम इससे काम कर सकते हैं, जैसे कि हमको छोटे छोटे वायर फील्ड कॉइल के अंदर से निकालने रहते हैं तो इसके ज़रिए से हम बहुत आराम से निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमको रखना बहुत ज़रूरी है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी चलिए अगले टूल के बारे में बात करते हैं, ये हमारे स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर हमारे को कुछ इस तरह का एक रखना है, आगे से जो ब्लैक यहाँ पर लगा रहता है ये मैग्नेट टाइप में, तो क्या है ये हमारे स्क्रू जो रहते हैं इसके अंदर चिपक भी जाते हैं, और ये रखना आपको बहुत ज़रूरी है स्क्वायर में। और इससे पहले मैंने आपको टीप आना बता दिया है, वो बनवा लोगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके बाद में हमारा कुछ ये जैसे हमारा कार्बन बुश वगैरह खोलने के लिए माइनस टाइप में रहता है, इसको भी रखना हमारे को बहुत ही ज़रूरी है। ये जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी ज़रूरी टूल्स हैं। अब चलिए एक स्क्रू ड्राइवर कुछ इस तरह का आ जाता है, इसके ऊपर की साइड में हम लोग हथौड़ी से ठोंक भी सकते हैं, जैसे कि हमारे जो स्क्रू हैं वो बहुत ज़्यादा जंग खा गए हैं बॉडी के अंदर, तो ये आपको दो छोटे बड़े मिल जाएंगे, मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का, दो आप रख लीजिए बहुत बेटर रहेगा, मैं दो रखे हुए हूँ। इनमें हम ऊपर से ठोकर भी मार सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है। अब एक हमारे को ये पतला बिल्कुल लंबा ये स्क्रू ड्राइवर है, ये पतला है, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट है कि जैसे हम फील्ड कॉइल सेट कर रहे हैं तो फील्ड कॉइल अगर हमारा बॉडी के अंदर इधर उधर हो रहा है तो ये पतला और लंबा रहता है, इसको हम अंदर फंसा करके और होल में घुसा करके बाद में सेट कर सकते हैं, उसके बाद में हम ऊपर से स्क्रू डाल करके फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा रहता है और छोटे छोटे स्क्रू वगैरह खोलने में इससे हमें बहुत मदद मिलती है, इसलिए ये भी आपको कंपलसरी लेना ही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। अगला टूल्स आ जाता है हमारा ये पाइप ब्रेंच। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये पाइप ब्रेंच का क्या काम है, जी हाँ इसका बहुत काम है, क्योंकि जो हमारा डेमोलेशन हैमर रहता है 810T, उसका हमारे को जब आगे का सिलेंडर सेट पाइप सेट जो भी आप बोलते हो वो जो आगे का आता है उसको जब हमको आगे से खोलना पड़ता है तो ये हमारा बहुत मदद करता है, इसलिए इसको भी हमको रखना चाहिए, मैं भी इसको यूज करता हूँ। अगला हमारा जो टूल्स आता है ये कुछ रबर का जो प्लास्टिक वाला हथौड़ा रहता है, ये भी हमको बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जैसे 801 वगैरह का या CX600 ग्राइंडर का हमको फेल कॉइल वगैरह निकालना है, उसको हम इसकी मदद से ठोंक करके और बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसमें हमारा प्लास्टिक बॉडी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो ये आपको हैमर भी रखना है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अगले टूल्स के बारे में बात करते हैं, ये इस तरह की कुछ हमको छोटी हथौड़ी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी यूज में लगने वाली हथौड़ी ये छोटी वाली लगेगी, बड़ा वाला हैमर तो हमको कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, तो आपको ये छोटा वाला भी हैमर खरीदना है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अगला जो ज़रूरी है हमारा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी है हमारा ये वॉइस मशीन। अब इस वॉइस मशीन में हमको पकड़ने का ज़रूरत पड़ता है, इसके के अंदर कभी कभी हमारा जो वायरिंग रिमूवर पुलर होता है वो इसके बीच में फंसा करके सेट करके, मुझे वीडियो में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर इसका हमारा बहुत यूज रहता है और ये भी हमारा ज़रूरी है। इस वीडियो में हालांकि मैंने जितने भी ये टूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ ये हमको सभी बहुत ही ज़रूरी हैं। आपको ये वाला जो वॉइस है वो तो लेना पड़ेगा, इससे पहले मैं एक बताया था उसमें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर आपका बजट है तो आप रख सकते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये वाला वॉइस हमको लेना बहुत ज़रूरी पड़ेगा।
अगला टूल्स में हमको एक ये कैंची रखना है। ये कैंची भी हमारा बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से काम लगता रहता है, जैसे कि हमको CM4 वगैरह या फिर 8-0 उनकी फील्ड कॉयल में अगर कहीं आजू बाजू में फील्ड कॉयल आर्मेचर टकरा रहा होता है तो हमको कुछ ना कुछ पैकिंग वगैरह काटने का ज़रूरत रहता है। और भी दूसरे काम रहते हैं, जैसे कपड़ा काट करके पीछे पैकिंग लगाना है, वो मैंने अपने वीडियो में बता भी रखा है, तो आप उनमें जा करके देख सकते हो। तो आपको एक ये भी रखने का ज़रूरत है, इसका भी आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप बाहर से मंगा सकते हो। अब आता है चलिए कुछ ये टूल्स, हमारा जो पंच है, अब आपको लग रहा होगा कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है। जी हाँ, कभी कभी ज़रूरत इसकी पड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो 801 वगैरह का हाउजिंग रहता है उसके अंदर जब हम बैरिंग फिट करते हैं तो कभी कभी वो बैरिंग हमारा हाउजिंग के अंदर लूज हो सकता है, मैंने वीडियो में बता भी रखा है। तो आप लोग इससे थोड़ी चारों तरफ आप पंच मार सकते हो, और पंच मार करके इसके बाद में उसके अंदर अगर बैरिंग सेट करोगे तो बहुत अच्छे से बैरिंग सेट हो जाता है। दूसरा, कभी कभी हमारा CM4 कटर मशीन जो रहता है उसके अंदर जब हम गियर फिट करते हैं आर्मेचर के ऊपर, तो कभी कभी गियर हमारा लूज पड़ने लगता है, तो हम स्वाप्ट में थोड़ी थोड़ी पंच मार करके और इसके बाद में गियर को फिट कर देते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लूज नहीं है तो फिर हमारा टाइट हो जाता है और कवर हो जाता है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको इसको भी मंगाना बहुत ज़रूरी है। अगले टूल्स आते हैं हमारे, ये जो लॉक निकालने वाले जो ये छोटे छोटे दो बताऊंगा मैं आपको, दो आपको लेना पड़ेगा। एक तो देखिए हमारा जो इनर वाला रहता है, जैसे हमारे गोल गोल लॉक रहते हैं, ये जो आप लोग लॉक देख रहे हो, इनको जब हमको निकालने का ज़रूरत पड़ता है तभी क्या है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको, ठीक है। इसके ज़रिए से हम लॉक को दबा करके और बाहर निकाल सकते हैं। और एक हमारा होता है आउटर वाला, उसका भी मैं आगे आपको ये इमेज दिखा देता हूँ, ये भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दो टाइप के आएंगे, एक तो इनर वाला जो हमारे अंदर की तरफ दबा करके निकालते हैं लॉक, और एक हमारा बाहर वाला। वे जो बाहर वाला हमारा रहता है, ये वाला पिलर आप देख रहे हो, ये जो बाहर वाला है इसको हम जैसे ही दबाते हैं तो ये बाहर की साइड फैलता है, और जैसे कि हमारा डेमोलिशन हैमर यानी कि 810T ब्रेकर में जो लगा रहता है ऊपर की तरफ, जहां पर हमारा बिट सेट होता है वहां पर एक लॉक लगा रहता है, उसमें हमको इसका ज़रूरत पड़ता है। 801 ग्रैंडर वगैरह में जो मैंने पहले वाला बताया इनर वाला, उसके अंदर भी बैरिंग के ऊपर लॉक लगा रहता है, उसमें हमको उसका ज़रूरत पड़ता है। ये दोनों के दोनों आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगला टूल्स जो हमारा आता है वो आता है कुछ इस तरह के हमारे स्क्रू ड्राइवर, जो कि हमारा बोस वगैरह का छोटा ड्रिल मशीन आता है उसमें हमको ये वाले स्क्रू ड्राइवर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें अगर बात करें तो आपको सभी लेने का तो ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जो मेन मेन लगते हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके मंगा सकते हो। इसमें ज़्यादा करके हमको ज़रूरत पड़ता है 3 mm का, 4 mm का, 5 mm का और 6 mm का, ये 2-3 का ज़रूरत पड़ता है हमको। इसमें पूरा सेट आता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो वो लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो ज़रूरत के हिसाब से हैं उनका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जा करके मंगा सकते हो। चलिए, इस छोटी सी वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, क्योंकि किसी भाई का कॉमेंट आया था कि आप ज़रूरत के जितने भी टूल्स रहते हैं उनका आप एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस इमेज के ज़रिए आपको वीडियो बना करके बता दिया हूँ। बाकी और फिजिकली मेरे वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, कोशिश करूँगा कि सभी मेरे टूल्स का उसका भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक जो मैंने पहले अर्बर प्रेसेस मशीन बताया था उसका मुझे कोई सी ट्रस्टेड वेबसाइट में लिंक नहीं मिला है, हालांकि इंडिया मार्ट वगैरह की जो वेबसाइट रहती है, इंडिया मार्ट का एप्लीकेशन भी उपलब्ध है प्ले स्टोर में, आप उसमें जा करके सेलर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसके ज़रिए से आप मंगा सकते हो, क्योंकि उसमें आपका अपना रिस्क रहेगा। मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आप उसमें सामने से पेमेंट कर दो, बाद में आपके पास में मटेरियल आ जाएगा, या तो फिर आप अपने लोकल एरिया में या तो फिर बड़े सिटी वगैरह में आप जा करके उसको बड़े पावर टूल्स की शॉप से
खरीद सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।